सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाबी खबरों के ताज़ा बुलेटिन दे विच मैं हरप्रीत सिंह मठाड़ू तुहाडा स्वागत करदा। पंजाब दी ताज़ा तरीन खबरां तुहाडे रूबरू करांगे, सो वीडियो दे विच अंत तक जरूर बने रहना। सब तो पहली खबर, सिक्ख्या मंत्री बैंस का वड्डा ऐलान, पंजाब 'च इस महीने 13,000 अध्यापक होणगे पक्के। पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस वल्लों ऐलान किया गया है कि पंजाब 'च इस महीने होने वाली कैबिनेट मीटिंग दे विच अड़िक्के दूर करके सूबे दे 13,000 कच्चे अध्यापकों रैगूलर किया जाएगा। इस संबंधी अध्यापकों बकायदा नियुक्ति पत्र भी जारी किए जाएंगे। ये जानकारी हरजोत बैंस ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में दी है। मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि अध्यापक दसते हैं कि पिछलिया सरकारों के समय दौरान वो कई साल तक धरने देंदे सन पर किसी ने परवाह नहीं की, पर हुण भगवंत मान ने उन्हां दी सुन ली है। उन्होंने कहा कि हुण स्कूलों का मियार बदल गया है, तस्वीर बदल गई है। हुण नवा सैशन शुरू होने तो पहला सरकार ने स्कूलों नूं किताबां भी भेज दित्तियां हन अते वर्दियां भी वंड दित्तियां हन। लुधियाणा गैस लीक घटना ते पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकां दे परिवारां नूं मुआवजा देण दा ऐलान कीता है। बीते दिन लुधियाणा विच वड्डा हादसा वापर गया सी, जिथे गैस लीक होण कारण 11 लोगों की मौत हो गई सी, जबकि गैस चढ़न कारण 10 लोग बेहोश हो गए सन, जिन्हां नूं स्थानक हस्पताल दाखिल करवाया गया। इस घटना तो बाद पूरे इलाके नूं सील कर दिता गया। हुण इसे विचाले इस घटना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने दुख जताउंदिया कहा कि लुधियाणा विच गैस लीक होण कारण वापरी घटना तो बहुत दुखी हाँ। इस घटना विच हरेक मृतक के वारसां लई PMNRF जरिए 2,00,000 रुपए की एक्सग्रेशिया ग्रांट दी जाएगी, तो हरेक जख्मी व्यक्ति को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। विदेश जाने की ललक, हर साल करीब 6,00,000 पंजाबी देंदे ने आईलैट्स या टॉफिल की प्रीख्या। पंजाब विच वख-वख टैसटिंग एजेंसियों द्वारा करवाई जाने वाली अंग्रेजी महारत प्रीख्या विच हर साल लगभग 6,00,000 विद्यार्थी बैठते हैं। इस तरह पंजाब एक मुनाफी की मंडी बनता जा रहा है। हर साल इम्तिहान की चोण करने वाले विद्यार्थियों की गिणती वधदी जा रही है। इस तो स्पष्ट है कि वड्डी गिणती विच विद्यार्थियों की विदेशों प्रति ललक वध रही है। एजुकेशनल टैसटिंग सर्विसिज वालों आईलैट्स PT टॉफिल वर्गियां भाषावां टैसटिंग प्रीख्यावान करवाई जा। रिपोर्टों अनुसार पंजाब में अंग्रेजी की महारत की प्रीख्या देने वाले लगभग 80 to 85% विद्यार्थी आईलैट्स की चोण करते हैं, उस तो 10% PTE की चोण करते हैं। अगली खबर, बुढ़लाडा के वख-वख वार्डों च लोगों नूं मिलेगा वाटर वर्क्स का शुद्ध पीण वाला पानी। बुढ़लाडा के 1 to 6 वार्ड और 10 नंबर वार्ड वासियों नूं वाटर वर्क्स का शुद्ध पानी आधुनिक मशीन नाल मिल सकेगा, जिसनों तवज्जो देंदे हलका विधायक प्रिंसीपल श्री बुद्धराम ने वाटर वर्क्स के पानी को शुद्ध सप्लाई लई विशेष आधुनिक प्लांट का उद्घाटन किया है। इस मौके विधायक श्री बुद्धराम ने दसा कि इस प्लांट नाल बुढ़लाडा के वख-वख वार्डों के लोगों नूं जिथे निर्विघन ढंग नाल शुद्ध पानी पीने लई मिलेगा, उत्थे लोगों नूं पानी नाल होण वाली समस्यावां तों भी निजात मिलेगी। वीडियो में लाइक शेयर चैनल में सबसक्राइब जरूर करते रहने जी, क्योंकि तुहाडा हर एक लाइक तो शेयर साडे लई मोटिवेशन का काम करता है। अमृतपाल के 5 साथियों की हाई कोर्ट तो रिट पटीशन वापस होना, NSA ते सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की उड़ीक। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो खालिस्तान पक्षी अमृतपाल सिंह के 5 साथियों की रिट पटीशन वापस ले ली गई है। हुण नज़रबंदी के आधार बारे सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट आने तो बाद ही NSA नूं चुनौती देने लई पटीशन दायर की जाएगियां। दरअसल अमृतपाल अते उसके कई साथी NSA तहत असाम की डिब्रूगढ़ जेल के बंद हैं। उसके वकीलों नूं जेल में उसनूं मिलने दिता गया है। इस दे नाल ही वकीलों नूं उन्हां दी हिरासत दे कारणां बारे भी जाणू करवाया गया है, इसलिए हुण पटीशन वापस लै ली गए हैं। हुण नज़रबंदी के आधार बारे सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट तो बाद ही NSA नूं चुनौती देने लई पटीशन दायर कीतियां जाणगियां। दस दईए कि सलाहकार बोर्ड नूं नज़रबंदी के 7 हफ्तें दे अंदर रिपोर्ट सौंपनी हुंदी है। अगली खबर, पठानकोट तो पंजाब च सरकारी छुट्टी होण कारण घूमण गए 5 दोस्तों नाल वापरिया वड्डा हादसा। पंजाब के पठानकोट तो वड्डी खबर सामने आई है। दरअसल इत्थे PNB बैंक की पठानकोट शाखा के 5 मुलाजमान की कार पठानकोट की माधोपुर नहर में डिगी। इस हादसे की एक की लाश बरामद कर ली गई, जबकि 2 नौजवानों को स्थानक लोगों ने बचा लिया, हालांकि 2 की भाल जारी है। जानकारी अनुसार 1 मई यानी मजदूर दिवस कारण पंजाब च सरकारी छुट्टी है, जिस कारण बीते दिन 5 दोस्त सरकारी बैंक च सैर करने लई निकले सन, पर इस दौरान जो उन्हां दी कार माधोपुर नहर नेड़े पुजी तां कार बेकाबू होकर नहर च डिगी। चश्मदीदों अनुसार जदों उक्त नौजवान की कार नहर में डिगी तो उस समय नहर में पानी भरया होया सी, जिस कारण 3 नौजवानों का अजे तक सुराग नहीं मिल सकिया। इस संबंधी जानकारी दिंदिया थाना सुजानपुर च तैनात सब इंस्पैक्टर विजय कुमार ने दस्सिया
कि नहर चो बचाए गए नौजवानों की पछाण प्रिंस राज पुत्र हरकृष्ण वासी बिहार और सुरेंद्र शर्मा पुत्र सीता राम वासी राजस्थान वजों हुई है। अगली खबर, DGP पंजाब सने इस मामले शामिल होने सारिआं ते होवे परचा दर्ज। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू बिक्रम सिंह मजीठिया वालों अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस विच उन्हां मुख मंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली आप सरकार ते नौकरी नूं लैके अपने विधायकां दे बेटे ते मेहरबान होण दे गंभीर इल्जाम लाए हैं। इस दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि मान सरकार अपने विधायक बलकार सिंह दे पुत्र नूं सरकारी नौकरी दिलाउण लई सारे नियमों नूं छिक्के ते टंगी फिरदी है। इस दरम्यान उन्हां पंजाब पुलिस दे DGP नूं भी इस मामले च घड़ीसदिआं DGP दे इस मामले च शामिल होण खिलाफ मामला दर्ज करन दी गल आखी है। खबर बरनाला तो है, बरनाला दे सुखप्रीत सिंह ने जूनियर फैडरेशन कप विच जित्तिआ सोन तमगा। खेड मंत्री ने दिती वधाई, पंजाब के खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीतेर ने जूनियर फैडरेशन कप विच मुंडिआं दे 30 साल मुकाबले विच सोन तमगा जितने वाले सुखप्रीत नूं मुबारकबाद दिती। याद रहे कि उसने जूनियर फैडरेशन कप विच मुंडिआं दे 30 साल मुकाबले विच सोन तमगा जितया है। बरनाले जिले के पिंड पंदेर के सुखप्रीत सिंह ने थिरुवनामली तमिलनाडु विखे जूनियर फैडरेशन कप 15.76 मीटर 30 साल लगा के सोन तमगा जितया है। अगली खबर, प्रदर्शनकारियों नाल धरने ते बैठे बिक्रम सिंह मजीठिया। डाक्टर ते स्टाफ नर्सां वालों सरकार खिलाफ़ दिते जा रहे धरने विच श्रोमणी अकाली दल दे आगू बिक्रम सिंह मजीठिया पहुँचे। इस मौके धरनाकारियों ने कहा कि करोना वर्गे समय विच सेवावां देण वाले डाक्टर स्टाफ नर्सां जेकर अज धरने ते बैठे हन तां पंजाब दा की हाल होवेगा। उन्होंने कहा कि सरकार साडे नाल बेइंसाफी कर रही है। इस मौके बिक्रम सिंह मजीठिया ने श्रोमणी अकाली दल तुहाडे नाल है, उन्होंने कहा कि सरकार ने जो 28,000 नौकरियों की गल की है वो सब झूठ है। लुधियाना गैस लीक का खुलिया राज, सीवरेज का ढक्कण खोलण मगरों वापरिया हादसा, 11 की मौत। लुधियाना गैस लीक मामले का राज सामने आया है। यह गैस सीवरेज के गटर विच्चों निकली सी, जिसने एतवार को 11 लोगों की जान ले ली सी। हासिल जानकारी मुताबक जहरीली गैस करियाना स्टोर के सामने गटर विच्चों निकलती सी। उधर गैस नूं होर फैलन तो रोकण लई देर रात तक इलाके विच काम जारी रहा। रात प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जांच विच सामने आया कि दुकान मालक सौरभ गोयल ने सीवरेज जाम होने तो बाद इस नूं खोलिया सी। जहरीली गैस निकलण कारण सौरभ उसकी पत्नी ते मां की मौत हो गई, जबकि वड्डा भरा हस्पताल दे विच दाखल है। दस दिए कि घटना विच आरती क्लीनिक के नां नाल दुकान चलाउण वाले डॉक्टर कविलाश ने अपना पूरा परिवार गुआ दिता है। मृतकों में उन्हां दी पत्नी ते 3 बच्चे शामिल हैं। मृतकों में डॉक्टर कविलाश, उसकी पत्नी वर्षा, पुत्री कल्पना, पुत्र अभय, आर्यन नारायण गोयल, करियाना स्टोर चलाउण वाले सौरभ गोयल, उसकी पत्नी प्रीति, माँ कमलेश गोयल, नवनीत कुमार और उसकी पत्नी नीतू देवी ते एक अणपछाता व्यक्ति शामिल हैं। अगली खबर, होले मोहल्ले दौरान NRI निहंग सिंह की हत्या करने वाले दोषी नूं पुलिस ने किया गिरफ़्तार। होले मोहल्ले दौरान श्री आनंदपुर साहब श्री कीरतपुर साहब मुख मार्ग ते पेंदे पिंड बडल नेड़े हुई लड़ाई दौरान निहंग थाने ते निहंग बाणी दे एक NRI दे कतल दे कथित दोषियों नूं श्री आनंदपुर साहब पुलिस ने गिरफ़्तार करके स्थानक अदालत च पेश किया, जिथे माणयोग अदालत वालों दोषी नूं 2 दिन दे पुलिस रिमांड ते भेज दिता गया। जानकारी दिंदिआं थाणा मुखी इंस्पैक्टर हरकीर सिंह ने दस्सिआ कि होले मोहल्ले दौरान हुई लड़ाई दौरान कनेडा दे PR जिला गुरदासपुर के पिंड गाजीकोट के रहने वाले प्रदीप सिंह उर्फ प्रिंस की मौत हो गई सी। इस कतल के कथित दोषी सतबीर सिंह उर्फ लाडी, पुत्र नरंजन सिंह वासी पिंड नलहोटी थाना नूरपुर बेदी जिला रूपनगर भी गंभीर जख्मी हो गया सी, जिसका इलाज PGI चंडीगढ़ चल रहा है। अगली खबर, बादल परिवार नाल दुख साझा करन पहुंची रीना राय। मरहूम अदाकार दीप सिद्धू की महिला मित्र रीना राय प्रकाश सिंह बादल के परिवार नाल दुख साझा करन लई पिंड बादल पहुंची। दस दिए कि प्रकाश सिंह बादल का बीते दिनी देहांत हो गया सी। रीना राय ने सुखबीर सिंह बादल सने परिवार के होर मैंबरां नाल दुख साझा किया। सो ये सन अज दीआं मुख खबरां। उम्मीद है कि तुसीं वीडियो नूं लाइक शेयर चैनल नूं सबसक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं खबरों के अजिहे ही ताज़ा बुलेटिन के नाल। तद तक दी मेहरबानी, धन्नवाद जी।